हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नोटिफिकेशंस निकला हुआ है। जी हाँ, आज नया ताज़ा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट में हम लोग देखेंगे ये रिक्रूटमेंट जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बेसिकली निकला हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कितने हैं एग्जामिनेशन फी, क्या है इंपॉर्टेंट डेट, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे। अगर आप लोग एसके ट्यूटोरियल चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके नोटिफिकेशंस डेट के बारे में, तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, बेसिकली इसका डेट जो है ये आज ही रिलीज हुआ है, ये 1 सितंबर को, तो ये आज का डेट दिया हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर और भी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में, तो ये अलग अलग रीजन वाइज निकले हुए हैं, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन, इसके बाद ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ओडिशा प्रोजेक्ट्स, और सभी का अलग अलग करके निकला हुआ है। अगर मैं यहां पर बात करूं जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो 27 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए, 23 सितंबर 2023 से काउंट किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर कि फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हायर एजुकेशन, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीई, बीटेक, एमटेक, एमई एक्सेट्रा विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने डिप्लोमा करके बीटेक किया है तो बीटेक का डिग्री आपके पास है तो आप अलाउ नहीं है। एमटेक किया है, बीटेक किया है आपने डायरेक्टली रेगुलर बेसिस पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा करके बीटेक किया है तो बीटेक के डिग्री को छुपा करके, मतलब डिप्लोमा के डिग्री के बेसिस पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, और लेकिन यहाँ पर जो रेगुलर किया हुआ है बीटेक, वो बीटेक के बेसिस पे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है, यानी कि हायर डिग्री वाले नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रीजन वाइज अलग अलग वैकेंसीज हैं। नॉर्दर्न रीजन में वैकेंसी 71 है और अनरिजर्व के लिए बात करें 33 पोस्ट के लिए है। इस तरह से ये चार्ट का आप लोग पूरा देख सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग भी अपने फोन में या फिर अपने पीसी में या फिर अपने टैबलेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप रीजन वाइज देख सकते हैं कि करके कितना कितना वैकेंसी निकला हुआ है। अगर मैं यहीं पर बात करूँ अब वैकेंसी के बाद की इन्फॉर्मेशन को, तो कुछ कुछ एज में रिलैक्सेशन रहेगा अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो तो है ही। इसके बाद कंपेंसेशन वगैरह सब चीज़ें कैसे क्या रहेगा, क्या सैलरी रहेगा और क्या इंडस्ट्री में पैकेज रहेगा, 27,500 पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड के रूप में ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड के रूप में, उसको जो है मिलेगा 27,500 रुपया, राइट। और इस तरह से रिलैक्सेशन जो एंड कंसेशन जो है वो चीज़ें है यहाँ पर, कैसे एज वाइज जो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को, SC ST को 5 साल का, और PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो रहेंगे उसको जो है मिलेगा 10 ईयर्स का, और जो एक्स सर्विस मैन रहेंगे तो वो लोग और विक्टिम रायोट्स का जो है वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रहेगा वो चीज़ें रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिटेल में चीज़ों को, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेंसेंस फॉर SC ST के लिए, तो अलग अलग करके यहाँ पर है। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर EWS कैटेगरी के लिए, तो विल बी सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ लेटेस्ट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इस तरह से। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है। लास्ट डेट की, अगर इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूं एग्जामिनेशन का, तो वो एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट डेट जो होने वाले हैं आज से, यानी कि 1 सितंबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 23rd of September 2023। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है बेसिकली यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होंगे रिटन एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें से कि आपका पार्ट वन जो रहेगा उसमें कंसिस्ट रहेगा टेक्निकल नॉलेज के बारे में, टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेंगे, या सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं सिविल इंजीनियर से क्वेश्चन रहेंगे, तो 120 क्वेश्चन जो रहेंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट टू जो होगा वो उसमें बेसिकली SAT यानी कि उसको हम लोग सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी रहेगा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एबिलिटी मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये सब चीजें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कुल मिला के 170 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे, और निगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आप लोग समझ गए होंगे, और
ये सब बेसिक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो फी है वो 300 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। कैसे अप्लाई करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप जाएंगे, लॉग इन करेंगे, करियर सेक्शन में जाएंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी, ये बेसिक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड करेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, देखना पसंद है और आप चाहते हैं कि इस तरह से लेटेस्ट अपडेट आपके फोन में बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए, तो आप लोग हमारे SK ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।